हम लोगों ने जो करीब करीब 81 लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया था, उसमें से करीब 20 लोग जो है उपस्थित हुए थे स्वयं और या उनके परिजन उपस्थित हुए थे, जो प्रॉपर्टी ऑफेंस में या आर्म्स एक्ट के केसेस में जो जेल गए हुए हैं 18, 19, 20 के केसेस में, तो जो जेल से जमानत पे मुक्त होकर बाहर आए हुए हैं वो तो वर्तमान स्थिति में क्या कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, उनके संगी साथी कौन कौन से हैं, इस बारे में विस्तृत रूप से जो है कि हम लोग जानकारी ले रहे हैं ताकि उन लोगों को भविष्य में जो है कि उन पर हम लोग नज़र रख सकें, ताकि शहर के सर कई मोस्ट वांटेड अपराधी हैं जो कि पिछली बार भी नहीं गुंडा परेड में आए थे। जी हाँ, तो वो हम लोग लगातार कर रहे हैं और जो अपने जो सहकर्मी हैं, जो थाना स्तर के जो हमारे कर्मी हैं, उन लोगों को हम लोग ये बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो डोसियर परेड करना है, किस तरीके से गुंडा परेड करना है, ताकि जो भी जेल से जमानत पे मुक्त होकर आए हुए हैं वो या तो बेल बॉन्ड का उल्लंघन नहीं करें और अनुसंधान में सहयोग करें और पुनः किसी जो है आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो जाए, उसका जो है कि हम लोग उनको हिदायत दे रहे हैं। सर बहुत वृद्ध लोग भी आए हुए थे वहाँ पर, उनके परिजन हैं जिनके लड़के जो हैं कि बाहर चले गए हैं, किसी के लड़के जो है कि हैदराबाद चले गए हैं, किसी के लड़के दिल्ली चले गए हैं, तो हम लोग ने कहा है कि भाई जगह में वो हैं, नोटिस हम लोगों ने दिया है वो उपस्थित हों, यदि नहीं है तो उनके गार्जियन है और जिस गार्जियन बता रहे हैं कि मेरा लड़का दिल्ली में काम कर रहा है, नोएडा में काम कर रहा है, हम कहेंगे वहाँ पर जो मोबाइल यूज कर रहा है या जिस ऑफिस में है उस ऑफिस का टेलीफोन नंबर दीजिए, हमसे बात कराइए। तो जो वृद्ध आप देख रहे हैं उनके परिजन हैं। सर